तो हे गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टेक मजबूल में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। दोस्तों, आप लोग सिम में जाके देखते होंगे, ये ऑप्शन आपको देखने को मिलता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो ये क्या है बेसिकली, मैं आज इसको एक्सप्लेन कर देने वाला हूँ खुल के। तो चलिए इसको पहले हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का मतलब होता है, इंपोर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को जो है आप उसको पुट कर रहे हो, मतलब अपने अंदर ले रहे हो। जैसे मैं जो अपना नॉलेज दे रहा हूँ, इसको अगर आप लोग ले रहे हो तो इसे कहते हैं इंपोर्ट। और जैसे मैं जैसे शेयर कर रहा हूँ किसी भी चीज़ को, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये होता है एक्सपोर्ट। तो दोस्तों, अगर आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे कि जो आपका जो ईमेल आईडी है, जहाँ पे भी जो भी है सिम है, तो वहाँ पे जैसे आप अपने नंबर को जब सेव करते हैं तो उनको बोलते हैं इंपोर्ट। और जैसे ही आप जो उस सिम का जो नंबर है आप किसी दूसरी जगह पे शेयर करते हो, या जो आप जो है अपने नंबर को कहीं अदर जगह पे सेव करते हो, तो इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। तो बेसिकली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इस तरह से काम करते हैं। तो आप लोग दोस्तों मिस्टेक क्या करते हो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो मिस्टेक नंबर वन, आप लोग जब भी अपना नंबर को सेव करते हो तो वो सिम में सेव करते हो। तो सिम में सेव करने से ये होता है कि कभी भी आपका जो है सिम लॉक हो सकता है, कभी ब्लॉक हो सकता है, तो इससे जो आपका बहुत परेशानी हो सकता है। लेकिन अगर आप जो है इसको एक्सपोर्ट करके रखोगे ईमेल पे, तो जब चाहो जिस जगह पे चाहो, बहुत सारे डिवाइस में जो है इसको लॉगिन करोगे, तो आपका जो जितने भी सारे नंबर है वो रिटर्न फिर से आ जाते हैं। मान लीजिए आपने इस मोबाइल पे जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसमें मेरा 100 कॉन्टैक्ट्स है एंड इसमें मैंने सिम पे सेव करके रखा है, तो मेरा जो सिम है किसी कारण से ब्लॉक हो जाता है या जो मेरा सिम है गुम हो जाता है, तो मैं उस कॉन्टैक्ट को कैसे निकालूंगा। तो सबसे पहले मैं बेसिकली क्या बता देता हूँ कि जब आप अपना ईमेल पे सेव करोगे इस नंबर पे हो, तो जहाँ पे भी आप ईमेल को साइन करोगे, जिस डिवाइस पे भी साइन करोगे, तो आपका जो कॉन्टैक्ट है वो रिटर्न आ जाता है। तो इस तरह से गाइस काम करता है ईमेल में इम्पोर्ट करने के लिए और एक्सपोर्ट करने के लिए। तो आज मैं दोनों बता देता हूँ कि किस तरह से आपको ईमेल में कॉन्टैक्ट को इंपोर्ट करोगे मतलब रखोगे, और किस तरह से उसको एक्सपोर्ट करोगे मतलब किस तरह से ईमेल से उसको निकालोगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन गाइस, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को लेना सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को दबा लेना, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी लोगों के पास पहुंचे। तो चलिए गाइस, बिना समय वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कॉल लॉक्स पे क्लिक करना है। कॉल लॉक्स पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन दिखेगा, कॉन्टैक्ट्स पे आपको क्लिक करना है एंड ये सारे आपका जो है कॉन्टैक्ट्स हैं। तो गाइज, इस तरह से कॉन्टैक्ट्स नहीं रहता है, लेकिन मैं प्राइवेसी किसी चीज़ के लिए क्या हूँ, तो यहाँ पे मैं देखिए नेम लिख दिया हूँ सिंपल से उदाहरण देने के लिए। जैसे यहाँ पे एम है, एन है, ओ है, पी है, क्यू है, आर है, एस है। तो गाइज, इसको मुझे सेव करना है कहाँ पे, गूगल ड्राइव पे। तो मैं उसको कैसे सेव करूं, यानी जीमेल पे उसको कैसे सेव करूं, तो उसके लिए आपको बताते हैं। तो उसके लिए आपको गाइज यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। सिर्फ यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा एक्सपोर्ट स्टोर्स और यहाँ पे ऊपर इम्पोर्ट स्टोर्स। तो आपको इम्पोर्ट करना है तो इम्पोर्ट पे क्लिक करना है, और एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। तो हमें इम्पोर्ट पे क्लिक करना है ताकि जो मुझे रखना है सिम पे। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया इम्पोर्ट पे। इम्पोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे आ जाते हैं, यानी डिवाइस ओनली। डिवाइस का मतलब ये होता है गाइस, सिर्फ आप फ़ोन में, यानी जो आपका मोबाइल है उस पर सेव है। अगर आप इसे रीसेट मारोगे तो आपका जो नंबर है क्लियर हो जाएगा। तो ये होता है। और यहाँ पे गूगल ड्राइव या गूगल है यहाँ पे, यानी इसको जब ईमेल में सेव करोगे तो आप जो है इस ईमेल को किसी भी मोबाइल पे लॉगिन करोगे, ऑटोमेटिक जो आपका नंबर रिकवर हो जाएगा। लेकिन आपको इंपोर्ट कैसे करना है वो पहले आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास 3 ईमेल है, इसमें से मुझे किसी ईमेल पे रखना है। जैसे मैं ये जो ऊपर वाला ईमेल है इस पर मैं रखना चाहता हूँ, तो मैं इस गाइस सिंपली इस पर क्लिक करूँगा एंड इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपको इम्पोर्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इम्पोर्ट इम्पोर्ट ऑल वी कार्ड फाइल्स। तो यहाँ पे ऑल वी कार्ड फाइल्स पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको ओके कर देना है। तो इस तरह से जो करोगे तो आपका जो कॉन्टैक्ट यहाँ पे आ जाएगा। अब कैसे चेक करोगे अपने कॉन्टैक्ट्स को आया है कि नहीं, तो यहाँ पे ऑल कॉन्टैक्ट्स दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे गाइस आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जो है देखिए कितने नंबर है वो आपको दिख जाएंगे। जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, कहाँ गया MD Export 02, यहाँ पे कितना है 139, इस तरह से जो हमारा नंबर आ गया है, यानी इस पे जो इतना नंबर सेव है। और यहाँ पे मेरे पास और भी ईमेल है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक भी इस पे नंबर नहीं है और इस पे 14 नंबर है।
तो इस तरह से जो है आप सेव कर सकते हो, जितना चाहे उतना इस पे नंबर जो है ऐड कर सकते हो, यानी इंपोर्ट कर सकते हो। और इसको एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है गाइस, सिंपली आप जो है अपने मोबाइल पे ईमेल आईडी को लॉगिन करना है, जिस ईमेल आईडी पे आपने इंपोर्ट करके रखा है उसी ईमेल आईडी को लॉगिन करना है अपने डिवाइस पे। और जो है आपको यहाँ पे ऑल कॉन्टेक्ट्स दिखेगा, यहाँ पे आ जाना है। एंड यहाँ पे मान लीजिए मुझे यहाँ पे मैंने सेव किया है, तो ये सारे नंबर देखना है। तो गाइस इस वाले को सेलेक्ट करना इस तरह से, और यहाँ पे देख सकते हैं आपका सारा नंबर जो है इस तरह से आ गया है, इस तरह से आपके पास आ जाता है। और आपका एक गाइस एक बात और ध्यान रखना है कि मान लीजिए आपने किसी का नंबर लिया है, जैसे किसी पर्सन आपके सामने जा रहा है या आपको मुलाकात हो गया कोई पर्सन, उससे अगर कोई दूसरे का नंबर ले लिए, नंबर लेने के बाद आप गाइस आपको सेव करना है। तो जैसे मान लीजिए मैं इस नंबर को सेव करना है, तो यहाँ पर न्यू कॉन्टेक्ट्स पर क्लिक करूँगा। एंड यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, न्यू कॉन्टेक्ट्स पे क्लिक करते ऊपर आपको दिखेगा सेव टू गूगल, तो आपको कहाँ सेव करना है वो सेलेक्ट कर लेना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा एंड यहाँ पे आपके सामने ईमेल आ जाता है, आप जिस भी ईमेल आईडी पे सेव करना चाहते हो उस पर सेव कर सकते हो। जैसे मैं इस वाले पे सेव करता हूँ हमेशा, तो मैं इस वाले ईमेल आईडी को सेलेक्ट करूँगा। एंड जिस भी पर्सन का नेम है वो मैं यहाँ पे नेम लिख दूँगा, तो मैं यहाँ पे कोई भी पर्सन का नेम लिख देता हूँ इस तरह से, एंड इसको सेव कर देता हूँ। इस तरह से जो है वन बाय वन भी सेव कर सकते हो आप अपने गूगल पे अपने नंबर को। तो दोस्तों सेम उसी तरह अगर आपको जो है ईमेल से जो अपना नंबर जो इंपोर्ट किया है यानी उसको रखा है, तो उसको अगर आपको डिलीट करना है किसी कारण से, आप मान लीजिए आप जो ईमेल है किसी कारण से जो है डिलीट कर रहे हैं, और उसमें या ईमेल जो आप अपने फ्रेंड्स को दे रहे हैं, कहीं किसी भी रीज़न हो, अगर आप चाहते हैं कि ईमेल से जो आपका कॉन्टैक्ट्स जितना है वो सारे डिलीट हो जाएं, तो उसके लिए सेम गाइज आपको फिर से यहाँ पे अपना कॉल लॉक्स पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट पे चले जाना है, कॉन्टैक्ट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और आपका जिस भी ईमेल पे जो रखा हुआ है कॉन्टैक्ट्स उसको अगले डिलीट करना है। जैसे यहाँ पे मेरा पास ये जो जीमेल है मेरा mdexpert02@gmail.com, तो मैं इस पे जो है कॉन्टैक्ट्स रखा हूँ सेव करके, तो इसको जो है मुझे डिलीट करना है। तो गाइज इसको यहाँ पे इस तरह सेलेक्ट कर लेना है, इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको इस तरह से क्लिक करना है सेटिंग पे, एंड सेटिंग पे इस तरह से चले जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद गाइज यहाँ पे डिलीट ब्रांच आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे डिलीट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट ऑल कर लेना है। एंड यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन ऊपर दिख रहा है, डिलीट पे क्लिक के डिलीट कॉन्टैक्ट पे आपको क्लिक कर देना है। तो आपका जितना भी डेटा जो है यहाँ पे, या जो भी कह लीजिए कि कॉन्टैक्ट्स है ईमेल पे जो आपने सेव करके रखा है, वो सभी के सभी डिलीट हो जाएंगे और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा इस तरह से अगर आप करते हैं। तो आप चाहें यहाँ पे रखना, तो वो सिंपली जो मैं ट्रिक्स बताया हूँ उससे आप इंपोर्ट कर सकते हैं इसमें, और किसी रीजन से आपको डिलीट करना है तो इस तरह से डिलीट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे बैक आ जाता हूँ, फिर से कॉल लॉक्स पे जाता हूँ। एंड यहाँ पे फिर भी देखेंगे मेरा कॉन्टैक्ट्स दिखेगा, यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे जो जीमेल है मेरा ये इस वाले पे मैंने सेव किया था, तो अभी यहाँ पे जीरो है। चलिए इस पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पे जो है सिर्फ बचा है 7, यानी 7 लोगों का कॉन्टैक्ट्स बचा है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ये जो नीचे दिख रहा है इस वाले पे, एंड इस पे जो जितना मेरा है डेटा यहाँ पे इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो इस तरह से जो है जीमेल से आप कॉन्टैक्ट्स को डिलीट कर सकते हो। तो आई होप यू गाइस आप सभी लोगों को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में पता चल गया होगा। अगर आप इस तरह से करते हो तो आपका कॉन्टैक्ट से है कभी आपका रिमूव नहीं होगा, एंड आपका जितना भी कॉन्टैक्ट है वो रिकवर हो जाता है। तो ये गाइस वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना गाइस, एंड चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही मिलते हैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।